हेलो किचन मम्मी, तो मैं आप सभी का स्वागत। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा। आज ना हम बनाएंगे दिवाली के लिए बहुत अलग, बहुत बिना कोई आटे का, ना ही कोई मैदा बेसन किसी का, और बहुत मज़े का, इतना मस्त फ्लेवर ना पूछ मत। वो भी इलायची फ्लेवर अंदर से, ऊपर से चॉकलेट फ्लेवर, और हो क्या मज़े आने। और ना ज़्यादा झंझट भी नहीं, तामझाम भी नहीं। अब घर पे गेस्ट आ गए हैं और फटाफट कुछ बनाना है, तो आप मिठाई बना सकते। या देखो दिवाली में गेस्ट आते हैं तो हम लोग नहीं उनको गिफ्ट में ऐसे देते हैं रिटर्न गिफ्ट कुछ, तो हम इसे पैक करके भी दे सकते हैं। तो बस मैंने 2 पैकेट मारी बिस्किट लिया, उसमें 4 से 5 इलायची डाल दिए हैं, और अच्छे से ग्राइंड कर लेने पाउडर दिए, फाइन पाउडर देख। और ना इसका खोला ना, इतना खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आई थी ना इलायची की। ओहो, इलायची, जिन्हें इलायची पसंद है उन्हें तो बहुत ही पसंद आएगा ये रेसिपी। तो बस मैंने 2 चम्मच शुगर डाला, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा शुगर डालना। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, चीनी और ये बिस्किट की पाउडर, इलायची की पाउडर, ताकि अच्छे से प्रॉपर मिक्स रहे। और फिर उसके बाद ना हम देसी घी या मेल्टेड बटर ले लेंगे। अब वो देसी घी से ना एक अलग सोनहापन आता है ना, तो मैं इसे देसी घी डाल रही हूँ। इस आपको जो मतलब अगर बटर डालना है बटर डालो, मुझे घी देसी घी का फ्लेवर भी पसंद आते हैं, होममेड देसी घी का, और इसलिए मैंने ये डाल दी है। अब बस हाथ से ना अच्छे से मैश करना, चम्मच से नहीं हो रहे थे, मैंने हाथ से यूज़ करिए, आप देख सकते कितने मज़े। और इसमें देखिए कैसे बाइंडिंग आ रहा है, ये देखिए, और ये तोड़ रहे। तो बस अच्छे से हमारा मॉइस्चर भी हो गया। और ना इसमें ज़्यादा दूध नहीं, 4 से 5 बॉयल्ड मिल्क होते ना, कच्चे नहीं पके हुए, में एक दूध उबले हुए वो डालेंगे, 4 टेबल स्पून बस, एक अच्छे से बाइंडिंग चाहिए और कुछ नहीं। और इतने मज़े की ना मेहमान को देने में या खाने में, और ये कि मैंने इतने मज़े के लगे, लग ही नहीं रहे थे बिस्किट के हमने बनाए ये चॉक मिठाई, इतने मज़े के लग रहे थे। तो बस मैंने एक वो सेट करने के लिए कोई भी स्क्वायर जो चाहिए आप बर्तन उसमें सेट करना है, जिसमें उसमें रख लो, नीचे बने बटर पेपर लगा, फिर ये डाल के ना अच्छे से प्रेस करके सेट कर देना है थोड़ा देर, मतलब कि कट करने में ना हमारे ये टूटे ना, इसलिए तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर मतलब प्रेस कर करके दबा के और ना फ्रिज में आधे घंटे रख दूँ। और इतने मज़े के लग रहे थे, मैं तो बार बार, मुझे इतने अच्छे ये लगी ना, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ प्लीज़ एक बार तो ज़रूर ये ट्राई करना मिठाई, इतने मज़े के लग रहे थे। और मेरे पास ये फैमिली पैक के डेयरी मिल्क 100 रुपीज़ वाले, मैंने वो डाल दिया, अगर कंपाउंड चॉकलेट होंगे वो भी डाल दो ये मेरे। और फिर ना इसे अच्छे से तोड़ के लेना है, आपके पास अगर माइक्रोवेव होगा तो उसमें ना मैं 30 सेकेंड डाल के, और ये बटर मैंने डाल दिया, 30 सेकेंड डाल के माइक्रोवेव करें, तो डबल बॉयलर कर। डबल बॉयलर ये होता है कि नीचे एक बर्तन में पानी डालेंगे, पानी उबलने लगेंगे तो उसके ऊपर ये रख के हम मेल्ट करेंगे अच्छे से, ये देखिए कैसे मेल्ट हो रहे हैं। तो ऐसे हमें मेल्ट करना है, ये डबल बॉयलर सिस्टम है। अगर अवन होगा तो अवन में करो, मेरे पास अवन नहीं थे तो मैंने ऐसे सिस्टम किया, और इसे अच्छे से हमने मेल्ट कर लेने हैं ताकि ये प्रॉपर, ये देखिए कितना अच्छा, और कितने साइन साइन दिख रहे हैं ना। ओए होए, अब चॉकलेट लवर के लिए भी हो गया, और मिठाई लवर के लिए भी, और जिसको इलायची पसंद उनके लिए तो 4 में चांद लग गए, क्या बोल रहे हो ना। तो बस ये फ्रिज में रख दिया, कितनी अच्छे सेट हो गई, देखो मैंने प्रेस करके आपसे दिखाई। और ये देखिए अब कट भी करेंगे, कितने मज़े के पीस, और इतनी अच्छी लग रही थी ना, जैसे जब मिठाई भी इसके सामने फेर रहे, चॉकलेट बर्फी होते ना वैसे ऊपर से और अंदर से इलायची का मिठाई हुई। प्लीज़ आप जरूरी ये मिठाई ट्राई करना, और ना मुझे भी बताना कैसे लगा। अगर आप बनाओगे तो मुझे Insta ID पे मेरे टैग कर देना, मैं Insta ID भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत सारी दिवाली रेसिपी दे दूँगी। और बस इसमें देखिए मैंने थोड़े से आलमंड डाल दिए, और बस इसे अच्छे से हो जाए, बस आलमंड मिला के इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, फिर इसे अच्छे से कोट करना। और मैं दिवाली की बहुत सारी रेसिपी हैं जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जैसे डबल कलर मिठाई, स्ट्रॉबेरी की मिठाई, नमक पारे और खजूरा, बहुत सारे हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और ये वैसे अच्छे से मैंने स्टफ़ में ऐसे कोट करके इसे अच्छे से हमें फोक की हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो एक्स्ट्रा रह गया वो फोक की हेल्प से नीचे हो जाएंगे, ये देखिए। और अब इसे ना हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के, अराउंड 1 आवर्स, ये आपके फ्रिज के टेम्परेचर के हिसाब से होंगे, तो बस अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं, दिख रहे हैं। और बस अब इसे मैं आपको काट करके दिखाऊंगी, इतना अच्छा अंदर सेट है ना, लग ही नहीं रहे अंदर से भी कि ये बिस्किट से हमने बनाए, इतने मज़े के बन रहे। तो आप जरूर इसे ट्राई करना, मुझे भी बताना कैसे लगा। और बहुत सारी दिवाली की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, स्टफ गुलाब जामुन ब्रेड का, बहुत सारे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना कैसे लगा।
और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। तब तक हैप्पी दिवाली।